सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। सो गाइस, एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। गाइस, ये वीडियो आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि कब तक आप अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म करेक्शन करवा सकते हैं, और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कॉलरशिप का भुगतान कब तक होगा। जी हां दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाला घंटा दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, नो ड्रामा नो फन, ओनली ऑफिशियल अपडेट। जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदनों की खमियां सुधारने का 21 तक मौका। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, और ये गाइस ऑफिशियल अपडेट है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के ऑनलाइन आवेदनों में खमियां सुधारने के लिए 21 फरवरी तक का समय दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर यह विकल्प दे दिया है गाइज। और यहां पर गाइज आपको बता दें कि आवेदनों में क्या कमियां हैं, है ना, इसे भी छात्र लॉगिन करके देख सकते हैं। प्रदेश में एससी एसटी छात्रों को 2.5 लाख रुपए और बाकी वर्गों के 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार के विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाती है। इस बार छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई कुल 3 चरणों में करने की योजना बनाई गई है। तीसरे और अंतिम चरण में करीब 26 लाख छात्रों को भुगतान होना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक 2 चरणों में भुगतान हो चुका है, और यहां पर गाइज आपको बता दें कि यह भुगतान 25 मार्च तक किया जाना है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन में खामियां मिल रही हैं। यहां पर आपको बता दें कि किसी ने खाता नंबर गलत भरा है, तो किसी का जाति और आय प्रमाण पत्र संबंधित वेबसाइट से पुष्टि नहीं हो पा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की खामियां को 21 फरवरी तक ठीक कर सकते हैं, इसके लिए पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, और इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।